स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर के जन्मदिन पर ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर के जन्मदिन पर दैसर पूर्व विद्या मंदिर हॉल में UBT उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना उपनेता विनोद गोसलकर के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेविका तेजस्वनी गोसलकर द्वारा ज्येष्ठ नागरिक सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर निरंतर युवा महिला ज्येष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों की जहन में स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर की अलग छवि बनी हुई है। स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर ने बहुत कम समय में जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना लिया था। स्वर्गीय अभिषेक गोसलकर द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी गोसलकर निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए मुंबई से हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभिषेक जी ने जन सेवा का संकल्प लिया था, उस संकल्प का भार आपके कंधे पे, किस तरह से इस संकल्प को आप पूरा करेंगे उनके सामने? आज अभिषेक गोसलकर का जन्मदिन है, उस मौके पे सुबह में हम लोगों ने जैसे अभिषेक प्रोग्राम लेते थे, हर एक मतलब डैडी का प्रोग्राम होने दो, मेरा प्रोग्राम होने दो, किसी के घर का प्रोग्राम होने दो, हर एक सामाजिक कार्य करते थे, उसी तरह आज हम लोगों ने लिया था। आज सुबह देखोगे तो हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन से लिया था, बाद में हम लोगों ने भगवती हॉस्पिटल में जाके फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अभी ज्येष्ठ नागरिक का सीनियर सिटीजन का हम लोगों ने सत्कार किया है। जो अभिषेक का सपना है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। अभिषेक भाई की खासियत रहती थी, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या वृद्धा हो या युवा हो, सबके लिए हमेशा कार्य करते थे, चाहे वार्ड नंबर एक हो चाहे वार्ड पूरे दहीसर विधानसभा के लिए। इस तरह से अभिरत आप लोग काम करते रहेंगे? वैसे ही हम लोग अभिरत काम करते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग युवा से मैंने ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का आज कार्यक्रम लिया था, तो एक यंग जनरेशन भी आगे आ रही है, उनको भी पता चल रहा है कि आगे आके ये समाज कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजकरण तो बहुत हो गया, अभी कंटाल गए सब लोग, अभी समाज कार्य कर रहे हैं। नहीं, हमारे अभिषेक जी का बर्थडे था और दहीसर विधानसभा क्षेत्र में ज्येष्ठ नागरिकों को उसने काफी काम किया और उनका बर्थडे हम लोग अलग घर से हमेशा करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने याद किया ज्येष्ठ नागरिकों को यहाँ बुला के उनका सम्मान करना और वही अभिषेक और आज हमारा रिश्ता अभिषेक मेरा पुत्र था, हर यहाँ आने वाला चाहे ज्येष्ठ नागरिक के साथी को चाहे हमारी हमारा रिश्ता हमारे जो वार्ड में जो काम करते हैं वहाँ कैप्टन को तो उसको गले लगा देते हैं और वो जैसे हमारा प्यार ने जो लोगों से मिलाया उसने उनका नेतृत्व का एकदम नेतृत्व मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं और लोगों से उनका रिश्ता कभी भी कुछ का कुछ प्रॉब्लम तो अभिषेक स्मॉल नहीं होता है। कोरोना में पूरा राज जाता था, कहाँ से फोन आते थे और सुबह उनको पूछा अभिषेक क्या हुआ रात के लिए कंट्रोलर रखा था और उसके आज बर्थडे सोचा बर्थडे तो शायद मुझे खाना है, दुख तो है लेकिन हमारा दुख है लेकिन हमारे साथ दुख के ध्यान देने वाले सारे लोग बैठे सब
सारे भारत वो जो हुआ कभी लोगों को इतना बुरा लगा कभी कोई लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं देखा शिवसेना वाला है कोई सारे पार्टी के लोग सारे संत महंत उनका ऐसा पंत नहीं वो हमें आगे जो बोलते ना सपोर्ट देने का काम किया और सभी ने हमें बताया कि अभी आप दूध छोड़ के आप अभिषेक का सत्कार करने के लिए जो आपका काम है वो शुरू करो। ये जो हमारी जो बहू है जो हमारी लड़की है वही दिन से सभी लोगों ने उनको कहा कि बेटा अभी आपको घर में नहीं बैठ और वो अभिषेक के आगे जाकर आज काम करेंगे हमारा हमारा ठीक है जैसा ये दोनों प्यार से आते हैं ये प्यार ना ये आज का फोन चला है इतना प्यार मिलना मुश्किल है हम जो कमाया देखो ये तो हमारे पार्टी की विषय ही है ये दहेश्वर कॉन्स्टिट्यूशन घोषणा की फैमिली है तो अभी कोई इधर कोई दूसरा उसके महाविकास आघाड़ी है किसी कोई भेद करने वाला हमारे सिटिंग कौनसी दिखती है कई पार्ट का अंदर के कुछ काम किए है तो ये मैं यहाँ का दस सौ रुपये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।